श्वेता, वेलकम करती हूँ आप सबका टेलीविजन के सबसे फेवरेट कॉमेडी शो में, जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख, कॉमेडी का नया जश्न। जश्न शुरू करने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दोनों जजेस का। अभी तो मैं जवान हूँ शेखर सुमन, एंड हंसता हुआ तूफानी चेहरा अर्चना पुरन सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार की तरह इस बार भी हम लाएंगे एक नया ट्विस्ट। हाँ हाँ, तो लाए हैं। ऑब्जेक्ट्स में वैसे तो जान नहीं होती, लेकिन हमारे इस मंच पर ऑब्जेक्ट क्या मुर्दों में भी जान आ जाती है। यकीन नहीं आता? नहीं आता तो मुझे देख लो। यानी आज हमारी जोड़ियों का हर जोड़ीदार में से कोई एक बनेगा ऑब्जेक्ट और दूसरा जोड़ीदार रहेगा वही का वही। जश्न शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज की हमारी पहली जोड़ी को। आपको तो पता ही होगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो तीसरे के घर फेंक लो, नहीं तो चौथे के घर फेंक लो, लेकिन दूसरे के घर बहुत बुरी बात है। अब बात जब शीशे की हुई है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज शीशा एंड कृष्णा एज बैजू। भैया शीशा दिल तो ठीक है, ये आखिर कौन है जो टूट जाता है? आई एम वेरी सैड। ओ ऐसे ऐसे लोग मुझ में मुंह देख के चले गए जो खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब शेखर जी को देख लो, ऐसा बंदा देखे तो खुशी भी होती है। कुछ लोगों ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया है, मुंह देखते मुझे पता नहीं चलता अंकल जी है कि आंटी जी। अब अर्चना जी को देख लो, ऐसा बंदा देखे तो खुशी भी होती है, कंफर्म हो जाता है कि अंकल जी नहीं है आंटी जी है। और एक मैं बदनसीब जो बैजू के घर पे लगा हूं, मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता, ये खुल के मुझे सब कुछ दिखाता रहता है। आ गया। आहा, क्या फेस है। ओए उसे पूछो तेरे को फेस कर रहा। ओए हीरो, ये हीरो कौन बोला रे? ओ मैं तेरे बाथरूम का शीशा। मैं हाँ? तू बोलता भी है? हाँ। तो आज से पहले क्यों नहीं बोला? वो तूने सीन ही ऐसे दिखाया, मेरी बोलती बंद हो गई है। बदतमीज, 5 रुपए के शीशे? अरे तू जैसे शीशे पे तो मैं थूकू भी ना। तेरी औकात भी नहीं जो मुझ पे थूक जाए। वो थूकते थे मेरे पे जावेद साहब, हाय हाय। जब मैं उनके बाथरूम में लगा था मुझे आज भी याद है। ओए होए होए होए। मैं समझता हूँ कि सर जी उठ के समझो ये स्टैंड अप शो है, उठो। मैं समझता हूँ कि जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो बदबू है, बदबू है तो नाना है, और नाना है तो पाते कर। हेलो, ये कैसा बंदा? एक शोहेब अख्तर है जो बोलिंग नहीं समझ आती उसकी, एक ऐसा ये जावेद अख्तर है इसके बोल समझ नहीं आते। देखो तुम्हारा तो तलफ्फुज़, आपका तलफ्फुज़ हो चुका है, इसलिए मैं आपको देता हूँ 3 नंबर। वेरी गुड। मैं तो 2 नंबर के लिए आया था, अच्छा तुमने 3 नंबर दे दिए। अरे यार तूने उनको सिर्फ 3 नंबर दिए? तो मैं थूकने पे 10 नंबर दे देता, स्टैंडिंग मिशन दे देता। और छाटी यार यहाँ पे कृष्णा सुदेश इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको 8-8 मिल रहे हैं। अच्छा ये बहुत गलत बात है सर, उनको तो 7-7 मिलने चाहिए थे। वैसे ये छोड़, तू तो वाकई बड़े बड़े लोगों के घर पे लगा था। ऐसे ही है, वैसे मैं छोटे मोटे लोगों के घर पे भी लगा हूँ, बताना नहीं किसी को। छोटे मोटे कौन? बप्पी लहरी। कमाल है, बप्पी दा छोटे थोड़ी है। तो मोटे तो है ना। जब वो नहाने आते थे हम दोनों की हंसी निकल जाती थी। दोनों की? मैं अकेला थोड़ी था, एक शीशा और भी लगा था, एक में थोड़ी वो पूरा आता है। उसमें बप्पी आता था और मेरे में लहरी। जब वो नहाने आता था ना यार, आज भी मुझे याद है। ओए होए होए होए। सर जी एक मिनट, आगाज ये है तो अंजाम हसी नहीं होगा, हसी निकल जाएगी। वैसे सर आप आज आपका चैन कहाँ है? यार है नहीं तो तुमने वो गाना नहीं सुना? तुमको हमारा गान पसंद है? बहुत अच्छा, अदनान सामी से भी ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा गान सुनेगा? नहीं सुनूंगा नहीं, मैं देखता ही हूँ जी बस। छोड़ी यार। अरे यार तू तो बड़े बड़े अतरंगी लोगों के लगा था यार, तू कभी किसी सही बंदे के लगा है? लगाऊ ना अर्चना जी के? नहीं, 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 नहीं। आ,
आज मुझे बताने दो खुल के। अर्चना जी के बाथरूम में जब मैं लगा था ना, अर्चना पूरन सिंह जी, यार तू ऐसे ऐसे क्या करता है? अर्चना पूरन सिंह बोला, दारा सिंह थोड़ी बोला। इनके बाथरूम में जब मैं लगा ना, तो एक बार ना परमीत नहाने आ गया। ओ मैं तो हैरानी हो गया। क्यों? थोड़ी देर बाद फिर परमीत आ गया, ठकटक बाहर निकल, मैंने भी नहाना है। अबे ओए शीशे, अर्चना जी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब है नहीं तो उनके उनपे जोक्स करता रहे। अभी तेरे में दम है ना, टूट जाएगा। शेखर जी के बारे में बता। जब ये बाथरूम में नहाने आते थे ना, अपने कपड़े उतार के मेरे ऊपर डाल देते थे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, रिपीट बार बार कौन देखे? जब ये हमारा रिपीट नहीं देखते, हम इनका रिपीट क्यों देखे? मुझे एक दिन गुस्सा आ गया, मैं कहा सर जी इतनी शर्म आती तो अकेले नहा लिया करो। अभी ना नहाने धोने वाली बातों से मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। ओ यार अभी तो मैंने नहाने वाली की है, धोने वाली तो की नहीं। अब धोने वाली सुन। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही है बंदा जिसका नाम है कुलभूषण खरबंदा। उसके बाथरूम में जब मैं लगा था ना, जब भी वो आता था ना, ओए होए आज भी मुझे याद है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। देखो ये बाथरूम में आता है नहाने, एक्सप्रेशन धोने वाले दे रहा है। हट, हट। इनके घर पे भी मैं एक बार लगा था। हाँ जी वेरी, हाँ जी पानी डालो, ठीक है बहुत अच्छे, हाँ साफ करो, बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ जी। अच्छा बारिश आए ना आए, इनके वाइपर चलते ही रहते हैं, देखो। बस जितने पैसे लिए उतने, बस चलो चलो चलो। अरे यार तू तो सच में बड़े बड़े लोग क्या लगा था? हाँ जी हाँ जी। किसी हीरोइन वीरोइन क्या नहीं लगा? फायदा कोई नहीं, हीरोइने अपने बाथरूम में नहाती कहाँ है? यकीन नहीं आता तो अर्चना जी से पूछ लो। अरे अर्चना जी से क्यों पूछे, ये तो शेखर जी अच्छे से बताएंगे। वो बता दीजिए सर, आज खुल के सब कुछ बता दो। थैंक यू। अर्चना जी कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? डंडा लेकर मारूंगी तुम दोनों को। आईना देखना भूल जाओगे इसके बाद। इतने बदमाश हैं। बहुत डिफरेंट, बहुत डिफिकल्ट। जिसने लिखा है उसने अटेम्प्ट, बहुत मुश्किल है ये फॉर्मेट को अटेम्प्ट करना, लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसको आप दोनों ने इतने क्यूटली, इतनी सुंदरता से, इतनी बेशर्मी से पेश किया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। इस बाथरूम है तो क्लोज ऑफ टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि जितनी गंदगी थी इस एक्ट में, उसको आपने बड़ी सफाई से पेश की। इसमें आईना का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि आईना सबकी सूरत और सीरत दोनों दिखाता है। इट वॉज अ परफेक्ट एक्ट, वेरी 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 कमेंडेबल एक्ट। आई एम गोना गिव यू अ 10। एंड दिस इज फॉर चिंचपोकली टू आईना टाउन। कांग्रेचुलेशंस गाइस। दीवारों के कान होते हैं ये तो सुना था, लेकिन जुबान होती है ये बताने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश एज बादशाह, अकबर एंड राजीव एज दीवार। सदियों से मैं अकेले खड़ी हूँ, तन्हा एकदम बैचलर लाइफ जी रही हूँ। उस बुड्ढे ने अगर एक पिलर बनवा दिया होता तो कम से कम मेरा परिवार तो बच जाता। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अकबर का कि उन्होंने मुझे बनवाया। सोचो अगर अमर सिंह ने मुझे बनवाया होता तो मैं दो भाइयों के बीच में खड़ी होती। अगर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी ने बनवाया होता तो मैं दो धर्मों के बीच खड़ी होती, और अगर किसी फिरका परस्त ने बनवाया होता तो मैं दो मुल्कों के बीच खड़ी होती। So sweet. वाह वाह, जब प्रेशर बना हो तो चार दीवारी की क्या जरूरत है, एक ही दीवार काफी है। दीवार बोल रहे हैं हम, समझे? दीवार? हाँ, सदियों पहले खड़ा करके निकल गया यहाँ पर, कभी कोई चिंता फिकर की सुध ली मेरी? नहीं नहीं, आज इतने साल बाद आया, वो भी लेने नहीं कुछ देने आया लोटा लेके। खामोश खामोश, दीवार के औकात में रहो वरना हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। दीवार को दीवार में चुनवा देंगे, तुमको पता नहीं चला जिस दिन मैं भसभसा के गिर जाऊंगी ना उस दिन पता चलेगा तुम्हें। अरे
दीवारों डार्लिंग, तुम हमारी बनाई हुई दीवार हो, कोई मेट्रो रेल का पुल तो नहीं कि अपने आप फंसा के गिर जाए। अच्छा, आपने दीवार बनवाई, कम से कम इसके मेंटेनेंस का ख्याल तो रखा करो। सुबह सुबह 10-20 आदमी आते हैं यहाँ पे, लाइन से लोडर लेके बैठ जाते हैं यहाँ पर, तरह तरह के गीत संगीत का कार्यक्रम छोड़ देते हैं यहाँ पे। कौन से गीत संगीत? अब गीत तो याद नहीं, खाली धुन याद है, टंग टिंग टंग टिंग टंग, फुश पूछो मत, एकदम भोपाल गैस कांड की याद दिलाते मेरे को सुबह सुबह। तो हम लिखवा देंगे कि यहाँ पे ये सब करना मना है। लिखवाने से कोई फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे जाहिल हैं। आते हैं 2 मिनट का ऐसा मौन धारण करके चले जाएंगे कि मेरी ईंटें तक नमकीन हो गई हैं। हम उनका सर कटवा देंगे। सिर? अरे सिर कटवाने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूँ वो दंड का प्रावधान रखिए आप। अच्छा, हाँ, वो घोषणा करवा दीजिए कि ये दीवार एक हेरिटेज वॉल है। हेरिटेज वॉल है? और क्या भाई, साधारण दीवारें जो होती हैं वो 3 आइटम से मिलके बनती है, ईंट, रेत और सीमेंट। ये 4 आइटम से मिलके बनी है, ईंट, रेत, सीमेंट। और चौथी आइटम? तुम्हारी आइटम अनारकली भी घुसी है अंदर। ग्रेट अकबर हो तो ग्रेट वॉल आप चाइना बनवाते, कुछ से दीवार बनवा दे। यार दीवार, मुझे चाइनीज चीजों से बहुत नफरत है। कल ही जोदा हक्का नूडल खा रही थी, मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने मेरे साथ चाओ चाओ शुरू किया। अब मुझे मन चाओ चाओ से घबराने लगा है। अबे तेरी तो, मैं द ग्रेट वाला ऑफ चाइना की बात कर रहा हूँ, द ग्रेट बाकड़ा ऑफ चाइनीज फूड की बात करने लगा। फालतू बात मत किया करो, पूछो मत, सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे। क्या पता नहीं कौन कौन आता है, क्या क्या लिख करके चला जाता है। निराश मत हो, मिले शादी के पहले शादी के बाद। डॉक्टर चड्ढा, ये डॉक्टर चड्ढा मिल जाए, चड्डी उतार दूं उसकी मैं। उसकी चड्डी हम उतारेंगे। फालतू बात करते हो, कोई कुछ भी लिख के चला जाता है। लिख देते दिल्ली चलो, लोगों के मालूम दीवार चल नहीं सकती है, फिर भी लिख देते दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, कोई कुछ भी आके पोस्टर चिपका देता है, रेशमा की जवानी। मैं इतने साल से अंदर अनारकली की जवानी नहीं संभाल पा रहा हूँ, रेशमा की जवानी टिका के चले गए। ये बताओ बढ़ाऊ, मेरे अंदर क्यों ठूस दिया इस अनारकली को? नहीं, हम तो अनारकली को दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी। अरे दुनिया की नजर से बचाना था तो तुम्हारा वो था ना अपना खास, वो बीरबल, उसके घर में छिपा देते। देखो बीरबल के दिमाग पे भरोसा है लेकिन उसकी हरकतों पे भरोसा नहीं है। तो तानसेन था ना, तानसेन के घर में छिपा देते। नहीं नहीं, तानसेन नाम ही ऐसा है, तानसेन। कोई भी सुर तान देगा अनारकली के पैर थिरकने लगते है। अरे तो शेखर जी के घर में छिपा देते, इनका घर बहुत बड़ा है। इनका सिर्फ घर ही बड़ा नहीं है, दिल भी बहुत बड़ा है। ये एक साथ 5-5 अनारकली को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक अनारकली को हम अपने एक्ट के खत्म होने पर यहाँ बुलाना चाहते हैं, वो घुसी हुई नहीं है। श्वेता आ जाओ। थैंक यू। अर्चना, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने मुझे बख्शा इस आइटम। एज अकबर राजेश, यू आर फैबुलस। राजू, एज द वॉल, यू आर, आपका टैलेंट इज बिगर देन द वॉल ऑफ चाइना, ग्रेटर देन द वॉल ऑफ चाइना। स्पेशल 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 मेंशन की जिसने लिखा है ये एक्ट। ओह, वेरी नाइस। ये राजीव, तुम्हारी खासियत है सोशल सटायर। ओके, आपने जो इस वॉल के थ्रू जो आपने सोशल सटायर किया है, ह्यूमर, सटायर, वेरी नाइस पंचेस, और इट इज जस्ट परफेक्ट। आई थिंक योर ओपनिंग लाइन्स वर ग्रेट। दीवार के थ्रू बहुत मजाक भी किया गया, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन जिस दीवार की बात हम लोग कर रहे हैं, जो अक्सर दिलों के बीच आती है या मजहब के बीच आती है या देशों के बीच आती है या सरहदों के बीच आती है, उसके लिए एक जोरदार तालियां बहुत जरूरी है। और जहां तक ह्यूमर कोशेंट का सवाल है, जहां तक परफॉर्मेंसेस का सवाल है, वो बिल्कुल टिच था, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक
बीवी के होते हुए दूसरे की बीवी के साथ अफेयर की बात तो सुनी होगी, गे अफेयर की बात सुनी होगी, लेकिन आपने बीवी के होते हुए टीवी से अफेयर की बात नहीं सुनी होगी। लेकिन अगर टीवी थोड़ा सा ये हो तो एक दिन ये भी सुनने मिलेगा। अरे सुनना क्या, आप खुद ही देख लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्वप्निल एज टीवी एंड तुलिका एज भावना। चैन से सोना है तो जाग जाओ और गौर से देखो इन खौफनाक चेहरे को। यही है वो दरिंदे चेहरे जो हर शनिवार रात आपकी बेडरूम में घुसकर आपकी जान ले लेते हैं आपको हंसा हंसा के। ये जिग्नस फिर से सनसनी रख के टॉयलेट में चला गया है। अरे बाप रे, उसको कुछ भी बोलते ना तो कहते हैं भावना वो क्या है ना, सनसनी के बगैर प्रेशर नहीं आता है। रिमोट किधर गया? जिग्नस अरे टॉयलेट के अंदर रिमोट लेके जाते हो। बापा ये जिग्नेश भी ए खबरदार जो मुझे छुआ तो। अरे ये आकाशवाणी कहाँ से हुई? ये आकाशवाणी नहीं है, ये दूरदर्शन है। दूरदर्शन? लेकिन मैं तो सोनी देख रही थी। ओहो ये टीवी है। टीवी? लेकिन तुम बोल कहाँ से रहे हो? स्पीकर से इडियट। इडियट? मैं इडियट? अबे तू इडियट, इडियट बॉक्स। ए अब ये इडियट बॉक्स नहीं रहा। आज आज मेरे पास केबल टीवी है, डिश टीवी है, सेट टॉप बॉक्स है, वीसीडी है, डीवीडी है। तुम्हारे पास क्या है? हाय मेरे पास रिमोट। हाय जिससे मैं तुम्हारी स्विच ऑन और ऑफ कर सकती हूँ। अरे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना तो चैनल वालों के हाथ में है भावना बहन। हम सब तो एंटरटेनमेंट की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर केबल वालों के हाथ में होती है रे। बहुत फिल्मी चैनल देखते हो। फिल्मी नहीं, सेट मैक्स, दीवाना बना दे। दीवाना तो तुमने मेरा जिग्नेश को बना के रखा है। अरे आजकल मुझको कम और तुमको ज्यादा देखता है। क्यों ना देखें? तुम्हारे सोने के बाद मैं ही तो उसे एंटरटेन करता हूँ। मेरे सोने के बाद वो एफ टीवी देखता है ना? एफ टीवी नहीं, सन टीवी। उसे अपने साइज के लोग पसंद है। एंड देन आफ्टर ऑल थाइज डज मैटर। तुम्हारी इन्हीं गंदी बातों की वजह से ना मेरा जिग्नेश बदल गया है। वो पतला हो गया? पतला? अरे तुम दिन ब दिन फ्लैट होते जा रहे हो। लेकिन वो तो फैट होता जा रहा है। तो अच्छा है ना, बड़ा है तो बेहतर है। क्या? बचपन में उसे संस्कार चैनल दिखाती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी बीवी हूँ। अरे तुम जैसे औरतों की एकता की वजह से घर घर की कहानी में फूट पड़ गई है। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोज कहीं से आती है, कहीं पे जाती है, काका की कुकू के। ओ गॉड कोई मुझे इस केस से बचाओ। ये तो करम अपना अपना। भावना बहन अपनी जबान को लगाम दो। ओए तुम अपनी बकबक बंद करो वरना वो रिमोट से है ना तुम्हारा म्यूट बटन दबा दूंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये रिमोट नहीं होता तो कैसा होता? कैसा होता? जिग्नेश मुझे यहाँ छूता, जिग्नेश मुझे वहाँ छूता। तुम इस बात पे हैरान होती, उस बात पे मैं कितना खुश होता। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि रिमोट यही कही है, यही कही है, यही कही है। अरे रिमोट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। वो साला जिग्नेश वो रिमोट अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है। वो क्या है ना, जहाँ भी रहता है मेरे टच में रहता है। वो मेरे टच में रहता है, मैं उसकी बीवी हूँ। ए बीवी तू है लेकिन वो लट्टू मुझ पे है। जानती है जब तू मैके गई थी ना तो पूरी रात चैनल बदल बदल के मुझे बेचैनल कर दिया था। मुझे आज भी याद है वो दिन, एक्चुअली रात। मुझे आज भी याद है वो रात जब मैंने उस पे अपने पे न्यूज़ सुनाई थी कि अब कानून बदल गया है, तो पूरी रात बाहों में बाहें डालकर, आंखों में आंखें डालकर, मुझ में खोकर, मुझे देखता रहा। थैंक गॉड। अरे वैसे तुम्हें देखता रहा वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ, कोई बच्चा नहीं। अरे तू उसकी बीवी है तो मैं भी तो उसका टीवी हूँ। बहुत टेढ़ी बात कर रहे हो। अगर टेढ़ी बात करनी है तो तुमसे क्यों करूँ, शेखर जी से ना करूँ? करो ना तुम शेखर से टेढ़ी बात, मैं भी करता हूँ, करती हूँ, करते हूँ अर्चना से सीधी बात। थैंक यू।
भाई तुम एज अ टीवी वर फैंटास्टिक एंड तुलिका यू टू बोथ ऑफ यू वर एब्सोल्युटली माइंडलेस. बहुत मुश्किल फॉर्मेट है, इसकी लिखाई मुश्किल है और आप लोग मतलब एक्ट आफ्टर एक्ट आफ्टर एक्ट इज कमिंग ऑन विच इज सो ब्यूटिफुल सो वेल रिटन एंड इतनी सारी आवाजें कैरेक्टर्स एंड जस्ट ब्यूटिफुली जो पिरोया है. द एक्ट इज सुपर्ब, द राइटिंग इज सुपर्ब एंड यू बोथ आर जस्ट थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच. मैं समझता हूँ कि इस एक्ट के खास तौर पे टीआरपी बहुत हाई होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्निल और तुलिका ये सिर्फ और सिर्फ केबल तुम ही कर सकते थे. व्हाट आई आल्सो लाइक्ड द वे यू स्विच्ड ऑन फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर और बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स उसके अंदर प्ले किए एंड यू आर क्वाइट कैजुअल अबाउट इट. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ यू for such a spectacular act. Absolutely. 10 upon 10 upon 10 to both of you. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, audience. Thank you very much. लोग कहते हैं कि दुनिया में रुपए से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती. रुपए से ऊपर भी बहुत कुछ है, डॉलर, दिनार, पाउंड, यूरो, लेकिन है तो सब पैसे के ही रूप ना. तो नोट करें कि एक ऐसा ही 100 रुपए का नोट आ रहा है मालती के पास, ये बताने कि हर तरफ उसी का सिक्का चलता है. प्लीज वेलकम गौरव एज मालती मनोहर मिश्रा एंड 100 रुपए का नोट बनवारी लाल झोल. तुम यहाँ कैसे? बैरी हो क्या? ये धुन बज रही है मेरे स्वागत के लिए. सबसे बड़ा रुपया दिख ले रहा. ओह तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है. नकली पैसे के ऊपर उछलने वाली नकली औरत. क्या नकली? खबरदार जो मेरे क्रेडिट कार्ड को नकली पैसा कहा तो. अरे ये क्रेडिट कार्ड वगैरह सब नकली होता है, असली तो मैं हूँ. तुम्हारे जैसे तो कितने नकली स्पेसिमेन मार्केट में घूम रहे होते हैं. क्या सबूत है तुम असली हो? सबूत? ठीक है, मुझे लाइट के सामने खड़ा कर दो और फिर आर पार देखो, बीच में एक लकीर नजर आएगी. हाँ यहाँ भी है. बस यही मेरी पहचान है कि मैं असली हूँ, तुम्हारी तरह नकली नहीं. देखो औकात में रहो. हाँ. तुम तो मैले कुचैले हो के किसी की छोटी सी जेब में पड़े रहते हो. ए मैडम, पूरी दुनिया में मैं ही एक ऐसी अकलौती चीज हूँ, चाहे कितना भी मैला कुचैला हो जाऊं फिर भी लोग मुझसे प्यार करते हैं. मैं अचानक बाजार में गिर जाऊं ना, चार आदमी उठाने के लिए चले आते हैं, hey, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. रहने दो, मुझे मालूम है तुम कहाँ कहाँ चलते हो, गलत आदमियों के पास रहते हो तुम. गलत मत कहना, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे पे इंप्रेस हो जाती है. वो भी गलत टाइप की लड़कियां होती होंगी. ओ माय गॉड, क्या याद दिला दिया तुमने मुझे. वाकई एक बार मैं एक गलत आदमी के हाथ में पड़ गया. ससुरा मुझे शाम को डांस बार में ले गया. क्या डांसरें थी और क्या डांस था. थाड़े रहियो बस. फिर उस आदमी ने जेब में हाथ डाला, मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को निकाल के ऐसे लुटा दिया. मेरे बाकी दोस्तों इधर उधर बिखर के गिर पड़े, लेकिन मैं लहराता झूमता झूमता डांसर को इधर 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 झूमता हुआ पैरों में गिर पड़ा. और फिर उसने तुम्हें पैरों से रौंद दिया होगा. रौंद दिया होगा. मेरा रोमांस तुझसे सहा नहीं जा रहा ना. अरे मैं वही लेट गया और लेट के उस डांसर को देखने लगा. वो डांस कर रही थी, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी. उसके बाद जैसे डांस खत्म हुआ उसने प्यार से उठाया और मुझे सीने से लगा लिया. तुम्हारा इस्तेमाल गलत चीजों के लिए होता है, ड्रग्स खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए. अब मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं. खरीदने तक तो ठीक है, लेकिन आजकल के कमबख्त लोंडे मुझ में भर के पीते भी हैं. वही तो मैं कह रही हूँ, लोगों का ईमान खराब करते हो, आदतें खराब करते हो. बात सुनो, सारी बुराइयां नहीं अच्छाइयां भी हैं. मेरी शक्ल देख के ना ट्रैफिक पुलिस वाला चालान नहीं काटता और ना ही केस बनाता है. और सरकारी मुलाजिम तो फटाफट फाइल को टक 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 आगे तक चलाते हैं. ये मेरी खूबी है. रिश्वतखोरों की जेब में जाते हो, इससे अच्छा तुम सुसाइड कर लो. जेलिसी हो रही है ना, क्योंकि तुम्हें कोई रिश्वत ऑफर नहीं करता. ऑफर तो बहुत आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं लेती नहीं. लेकिन सोच रही हूँ लेना शुरू कर दूं,
और महीने के आखिर में तुम जैसे को इकट्ठा करके गरीबों में दान कराऊंगी। नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करना, मुझे गरीबों से बहुत डर लगता है। क्यों बताऊं, बचपन में मैं जब 2 रुपए का था ना तो एक गरीब के हाथ में पड़ गया, उस कंबख्त ने पॉलीथिन में मुझे बांधा और आटे के ड्रम के अंदर रख दिया। पूरे 3 महीने के बाद बाहर निकाला। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी मर्जी तो चलती नहीं है, कोई तुम्हें डालता है कोई निकालता है, एटीएम मशीन में पड़े रहते हैं, किसी ने निकाला तो निकाला। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल रात की बात है, रात को 2 बजे मैं 50 के नोट के साथ लिपट के सो रहा था, इतने में एक आदमी आया और मुझे लेके चला गया। कंबख्त ने सोने भी नहीं दिया मजे से। वही तो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे क्रेडिट कार्ड के सामने। देखो औकात की बात मत करो, मेरी औकात तो बहुत ज्यादा है। पता है RBI का जो गवर्नर है मेरे पे ठप्पा लगाता है। तुम पे किसी ने ठप्पा लगाया आज तक? एक बात बताऊं, तरह तरह के लोगों के पास जाके तरह तरह का एक्सपीरियंस भी मिलता है ना। छी, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसे नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक की होके रहूंगी। किसकी? शेखर जी की। उनके पास तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, वो भी हजार हजार के। सुनो चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं भी उनके पड़ोस में जाऊंगा और अर्चना जी मुझे संभाल के रखेंगी। क्यों अर्चना जी? आ रहा हूं। ये शेखर कैसा लगा आपको ये एक्ट? पैसा वसूल। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छे रेपार्टीज, बहुत अच्छे वन लाइनर्स, बहुत अच्छे पंचेस, बहुत अच्छा तालमेल, कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी एंजॉयबल एक्ट, वेरी वेरी डिलाइटफुल एक्ट। और बस चाहता हूँ कि इस एक्ट के लिए मैं आपको नंबर नहीं दूँ, सिर्फ ये करूँ। आई फील दैट इन द बिगिनिंग थोड़े पंचेस कम थे, मुझे लगा कि अरे ये एक्ट बैठने वाला तो नहीं है, लेकिन बहुत आगे लिफ्ट हुआ। एंड बनवारी लाल जी, आप तो बहुत कमाल के कलाकार हैं, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी टाइमिंग और कुछ आप मूवमेंट करते हैं और कुछ आप जो कर कुछ अजीब सा करते हैं आप, बहुत बढ़िया सब चीज की आवाज निकाल दे। कैसे जीव वाला कैसे किया था? ऐसी जीव लब लबाई बहुत अच्छा किया, यू आर सरप्राइज पैकेज, इसीलिए इसे कहते हैं टंग इन चीक ह्यूमर। और गौरव यू आल्सो वेरी गुड, आई फील दैट 100 रुपए का नोट का जो कैरेक्टर आपने जो पकड़ा है बहुत बढ़िया एंड वेल परफॉर्म्ड। बनवारी लाल जी स्पेशल मेंशन टू यू, यू आर वेरी गुड, वेरी गुड। स्कोर्स प्लीज, माय साइड इज गोइंग टू बी अ 9। गिव यू अ 10। ओह थैंक यू। हमारी जिंदगी में गोली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अरे जवान होने की गोली नहीं, जवानों वाली गोली, जिसे हमारे जवान अपनी बंदूक में डालकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन यही गोली अगर गलत हाथों में चली जाए तो प्रॉब्लम, और अगर गलत बंदूक में चले जाए तो बेड़ा गर्क। ऐसे ही बंदूक बताने आ रही है अपने फायदे हवलदार कदम के पास। प्लीज वेलकम VIP एज बंदूक और अली एज हवलदार कदम। माँ अला मेरे को मामा बोलता है, फाक, 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 दुनिया की फाक, फाक, फाक। डर गए क्या? माँ अला माँ काय को डरेगा, मैं काय को चलेगा, मेरे वजह से तो तू ठा 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 होता है। एक बात तेरे को बता दूं, मैं तेरे को चला सकता है, तू मेरे को नहीं चला सकता है। तेरे तो बात ही मत कर, तेरे को तो कोई भी 50 रुपए दे के चला के चला जाता है। मैं वाह इसे चलाने का नहीं, ऐसे चलाने का बात करता है। हिम्मत है तो चला के दिखा। चुमाला चैलेंज, यह देख, यह देख। मैंने तो गन चलाया, यह गंध का आवाज कहां से आया? अभी तू नली साफ नहीं करेगा तो ऐसे ही आवाज आएगा ना। और चलाने की तो बात छोड़ दे, जहां चलानी होती वहां चलाते नहीं, जहां नहीं चलानी थी वहां चला देते हो। अब मैंने कसम खा ली है कि अब मैं किसी बेगुनाहों पे नहीं चलूंगी, समझा? अच्छा तो मेरे को एक बात बता, तो तू ये गुंडा मवाली बदमाश लोग के साथ काय को रहती है? मैं अपनी मर्जी से नहीं रहती हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ अवैध संबंध बना के रखे। पहले मैं बाबा के पास भी थी। कौन? बाबा रामदेव? नहीं, संजू बाबा। चुमाला वो लंबा चौड़ा संजू बाबा, वो तेरे को कैसे चलाता था?
उसने कभी चलाया नहीं, खाली रखा था। अच्छा मेरा वो एक बात बता, तू उसको छोड़ी काय को? बाबा जब वो गांधीगिरी करने लगा तो मेरा उधर क्या काम है, फिर मैं साउथ निकल गई रजनीकांत के पास, बहुत कंजूस है वो। काय को? दोबारा कभी जाऊंगी नहीं। अरे बाबा बंदूक में गोली भरता नहीं है वो, सीधा बंदूक उठाया दुश्मनों के पास चला जाता है। என்னடா ஆப்படியா என்ன சோடிக்கிறீங்க இல்ல யாப்படி கிரிக்கிறீங்க இல்ல யாப்படி கிரிக்கிறீங்க இல்ல। सामने वाला भड़क गया, उसने गोली चलाई, ढिसक्या गोली इधर ही आ रही, मैं डर गई, बाबा गई, इसमें तो गोली है नहीं। अरे हीरोगिरी कर रहा है, कभी चश्मा कभी मफलर कभी सिगरेट। मैं बोले बाबा अब गोली, अरे तो कुछ कर। फिर बाबा पता नहीं इसके दिमाग में कुछ आया, सीधा बंदूक खोला, रपाक वो गोली मेरे अंदर आके फिट हुई, रपाक उसने बंद किया, बाद में सामने वाले पे। फिर बाबा मेरी जान में जान आई, तब जाके मैंने सामने वाले की जान ली। मतलब ये तेरा नाटक बनकर, ये जितना भी फेकम फाकी जो कुछ भी तूने बोला ना, वो सब में नकली गोली था, समझी क्या? ए रहने दे नकली, लेकिन जब आतंकवादी आए थे ना असली आतंकवादी, तो मैं लड़ी थी। आज भी मुझे वो पल याद है जब मैं लड़ी थी, सामने आतंकवादी और मैं। वो तो ठीक है तूने गोली चलाई होगी, बरोबर है, लेकिन उन पर हमारा हवलदार तुकाराम का डंडा भारी पड़ा था कि नहीं? उस पे तो मुझे भी नाच है बाबा, अगर वो नहीं होता तो आज आतंकवादी जेल में नहीं होता। मैं भी खुद उन्हें सलामी देना चाहती हूँ। सलामी देंगे, सलामी सच। चलिए जानते हैं कि हमारे जजेस को हवालदार और उनकी बंदूक का परफॉर्मेंस कैसा लगा। द स्क्रिप्ट वॉज अ लिटिल वीक, इट कुड हैव बीन बेटर, बट कुल मिला के अच्छा था। यू आर वेरी गुड अली, फैंटास्टिक एज एवर। और वीआईपी आपने कुछ अलग करने की कोशिश की, हालांकि मिमिक्री आपका दामन नहीं छोड़ती और आप उसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, बट उस दायरे में आपने जो आवाज़ें निकाली विच वॉज रियली नाइस एंड मेड द एक्ट वेरी वेरी एंजॉयबल। जितना हमने देखा उसमें से हमें बिगिनिंग का थोड़ा पसंद आया, एंड में पेट्रियटिज्म, ओके इट्स अ टची एंड सेंसिटिव सब्जेक्ट, बट आई स्टिल फील इट वाज हिज पेट्रियटिज्म। थोड़ा आई थिंक पेट्रियटिज्म थोड़ा बेहतर तब लगता जब ह्यूमर और ज़्यादा होता, लेकिन ह्यूमर कम था इसलिए वो जो पेट्रियोटिक था वो ज़रा ज़्यादा लगा। बट बोथ ऑफ यू आर फैंटास्टिक। और अब आ गया है वो पल जब अर्चना और शेखर हमें बताएंगे कि किस जोड़ी ने किया है उनके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और शेखर सजाएंगे उनके सर पर अपना सेहरा। इससे पहले कि आप लोग बताएं कि कौन सी है वो जोड़ी, जोड़ीज प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। तो जजेस बता दीजिए आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी कौन सी है। आज की बेस्ट परफॉर्मेंस सब लोगों की, आई थिंक थ्री पीपल हैव गॉट 20, ईच वन गॉट 19, वन गॉट 16। नहीं नहीं 20 20 20 तीन जोड़ियां हैं। वही तो बोला, थ्री पीपल हैव गॉट 20 ईच। ऑलराइट, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑन एनीबॉडीज टैलेंट, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बट अनडाउटेडली टुडेज इवनिंग एंड द एक्ट बिलोंग्स टू नन अदर देन कृष्णा एंड सुदेश। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी नॉट टू टेक ऑल द थ्री जोड़ीज टॉप जोड़ीज होम, सो प्लीज कंट्रोल मी जब मैं वहां पर आऊंगी। तो मैं आप छहों के छहों को आई वांट टू टेक यू गाइस होम, एंड स्पेशल मेंशन फॉर बोथ ऑफ यू स्वप्निल एंड तुलिका एंड ऑल्सो राजीव एंड राजेश, यू आर वेरी वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, मतलब एक 19-20 का भी फर्क नहीं था, क्वाइट क्लोज। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते देख इंडिया देख का ये नया जश्न लेकर आएगा एक और नया ट्विस्ट, आपको हंसने पे मजबूर कर देगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।